हेलो गुज्जो कपल ट्रैवलर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर हम अपनी नई ट्रिप का स्टार्ट किया है। आज हम निकल रहे हैं कच्छ की ओर, तो चलो आगे मिलते हैं और कच्छ में करते हैं बढ़िया कैंपिंग और बढ़िया बढ़िया लोकेशन देखते हैं और आप सबको दिखाते हैं। बाकी आप तब तक रोड का आनंद लीजिए। तो अभी अभी ये देखिए मोरबी शहर है, मोरबी हमने बाईपास अभी क्रॉस कर रहे हैं। राजकोट से पहले कच्छ जाने के लिए मोरबी होके ही जाना पड़ता है, तो मोरबी छत्तर क्रॉस किया, अभी ये मोरबी क्रॉस कर रहे हैं और आगे मोरबी के बाद क्या आते हैं वो आपको सब दिखाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी कार चला के सवेरे से ही आपके सामने निकल गए और इतना थक गए थे, तो थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे अभी कार रख दी और थोड़ा चाय पानी अगर पीना है तो पीते। बाकी श्रीमती जी ने तो वेफर वगैरह ले लिया है, कुछ पटक पटक करते और अभी फिर मिलते कुछ आगे। पर हम जहाँ पे रुके, आप देखिए कहाँ पे रुके, अगर आप देखोगे ना तो पूरी ये नदी है। और ये कौन सी नदी है पूछते हैं जहाँ पे हम रुके भाई को, तो वो आपको बताएंगे। ये नदी कौन सी है? मच्छू नदी है। यहाँ से अगर आप देखो ना दोस्तों, जैसे ही आप मोरबी से थोड़े आगे आएंगे आपको कल्ला मारिया मियाड़िया का रोड मिलेगा। आप मोरबी से आगे आके ही लेफ्ट को मोड़ लेना और कल्ला वाले रोड पे आप आगे चले जाना और कच्छ भुज आपका आ जाएगा। आप कंडला वाला रूट लेंगे तो आपको यहाँ पे हैवी ट्रैफिक मिलेगा ट्रक का। ये कितने ही बड़ी ही दूर से ट्रैफिक लगी हुई है। ये बढ़िया से लोकेशन आप देखिए, ये पुल है नदी का, उस पर जो ट्रैफिक है देख लीजिए, काफी एक घंटे से ऊपर इस ट्रैफिक में लगे हुए हैं। पता नहीं ट्रैफिक इसी वजह से है क्योंकि ये बंदरगाह है ना कंडला, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा होता है, इसीलिए ये ट्रैफिक अभी ट्रकों का ही ट्रैफिक होगा। ये नमक की खेती है गाइस, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब नमक की खेती हो रही है। देखिए इसी से पता चल रहा है कि आप भुज में कच्छ भुज में आ चुके हैं। हर जगह आपको वहाँ पे नमक की खेती मिलेगी ऐसे। और यहाँ पे पावर की सबसे ज्यादा उत्पादन होती है, देख लीजिए ये बिजली के टावर से यहाँ पे सारी पवन चक्कियाँ रखी जाती है। आगे जाके आपको दिखेगी पवन चक्की होगी, सोलर ऊर्जा होगी, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर का जो मैन्युफैक्चरिंग बोलो उत्पादन बोलो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होता है कच्छ में। क्योंकि तो दोस्तों अभी हम कच्छ जा रहे हैं, बट बीच में थोड़ी चाय की तलब लग गई, तो अभी यहाँ पे चाय बनाने और फ्रेश होने के लिए हम गाड़ी को पार्क किया है। और बाकी आप देख सकते हैं अभी हवा भी इतनी तेज चल रही है, मेरे बाल भी इसे बिखर गए। और बढ़िया अभी तो यहाँ से ही थोड़ा जो कच्छ का जो रण होता है उसका अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा चाय के लिए दूध रख दिया और ये अच्छे एकदम बढ़िया बन जाएगा। और सुनीता जी आपने क्या लिया रात को, क्या बनाएंगे? आज मैं बनाऊंगी पनीर और शिमला मिर्च की बेहतरीन वाली सब्जी। भाई वाह, तो आज तो अरे गुज्जू कपल के संग क्या नहीं मिलेगा, गुज्जू कपल के संग क्या नहीं मिलेगा। तो आज कुछ अलग करने वाले हैं। ये आज क्या करने वाले हो? चाय बनाने है ना, तो आज एक एक क्या मतलब स्टोरेज के लिए ये थोड़ा दूध बच जाएगा तो स्टोरेज में। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। हाँ अभी देखिए पूरा लबालब इस तरह गाड़ी भरी हुई ना, मतलब पूरा घर इस कार में है। और यहाँ पे आप देखिए अभी हमारी किचन खुल गई है और यहाँ पे बन रहा है चाय। दोस्तों अभी हमारी चाय बन गई और टपरी चाय में आज आप सबका स्वागत है। और टपरी वाली चाय आप देखिए एकदम बढ़िया, हमारी काठियावाड़ी चाय बनाई एकदम मजेदार। तो अभी चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे और फिर मिलते हैं आपको वापिस।
एकदम बढ़िया सनसेट है। तो अभी यहाँ पहुँचने आए हैं पचाव, अभी तक यहाँ से कुछ 90 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे देखते हैं अब तक पहुँचेंगे। ये कंडला वाला स्ट्रेट बरोबर पूरा सीधा ही रोड है, कंडला वाला, कंडला से सीधा ये पचाव ही आ गया है। अभी ये डेंजर मुड़ा आता है, मतलब पूरा ऐसे गोल घूम के आपको जाना होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे गोल पूरा घूम के जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, तो वो उसका ध्यान रखना है और बचाव वाला रोड ले लेना। सो दोस्तों, जिस तरह हम राजकोट से निकले और फिर कच्छ जा रहे थे, कच्छ भुज, तो भुज आज का पहुंचना था बट पहुंच नहीं पाए, और आगे जैसे चले भुज आते हैं, भुज से करीबन 17 किलोमीटर पहले ही एक स्कूल है, तो वहां पे हमने बातचीत की और वहां यहां पे स्टे करना था, तो यहां पे हमने स्टे ले लिया है और आपको दिखाते हैं कि कौन सी स्कूल है, क्या है, आपको दिखाते हैं। अभी तो रात का टाइम है, आपको पता है हम हर बार रात को ही पहुँचते हैं, तो पहले स्कूल अभी थोड़ा दिखाते हैं, फिर पूरा स्कूल हम सवेरे दिखाएंगे। गांव के अंदर ही पूरा ये स्कूल है और अभी बचाओ और श्रीमती जी क्या तो पहले टीचर थी, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, ये स्कूल देख के बड़ा ही मतलब इमोशनल होते होते रह गई, वैसा वाला फीलिंग आ गया है मुझे। और पूरी जो स्कूल वगैरह है तो सर की है, और सर करीबन 15 साल से पूरा स्कूल चला रहे, और CBC बोर्ड है, और नर्सरी से लेके 12th तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो अभी तो रात हो गई है, तो मैं आपको पूरा स्कूल सवेरे दिखाता हूँ किस तरह की क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे। बाकी कार कैंपिंग हम करते हैं और एंजॉय करते हैं, चलो। सो दोस्तों, फाइनली हमारी कार यहाँ पे लग चुकी है और आप देख सकते हैं हमारा किचन यहाँ पे खुल गया है, और आज कुछ बढ़िया बढ़िया बनने वाला है। जैसा कि आप सब जानते ही है कि हमारे पास हमारी छोटी सी कार जिसमें हमने कैंपर वान बनाया है, ये डबल बर्नर चूल्हा लगाया है, और यहाँ पे हमारी सब ग्रोसरी वगैरह सब कुछ आ जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टेबल लग गया है, अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल लग गया है, दही आ गया है। और श्रीमती जी आज क्या खिलाने वाले हो? दही भल्ले, गुजराती में जिसको दही वड़ा बोलते हैं। ओके, तो आज बढ़िया दही भल्ले खाने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमारा सूप आ गया है, आप देखिए बढ़िया सूप, और यहाँ पे अजय जी सूप का आनंद ले रहे हैं, और यहाँ पे अजय जी की कार में अभी किचन खुल गया है। और आप आंटी जी आप क्या बना रहे हैं? मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और रोटी, साथ में मेरे पड़ोस में बन रहे हैं दही भल्ले। भाई वाह, मतलब आज तो फुल डिनर है, गुजराती में बोले तो जलसा ही जलसा, जलसा ही जलसा। खाने से पहले हमने सूप पिया। तो जिस तरह हमने बनाया बताया आपको कि हमने तो यहाँ पे जिस तरह हमने आपको बताया कि पूरा स्कूल है, बड़ी अच्छी स्कूल है, क्योंकि पूरा गार्डन वार्डन है, और ये बचाव में ये स्कूल है, और भूत से 17 किलोमीटर पहले स्कूल पड़ा है। तो यहाँ पे बढ़िया हमको ये लोकेशन दी कि भाई आप करो कैंपिंग, बढ़िया मजे करो। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम कार कैंपिंग, और श्रीमती जी ने स्टार्ट कर दिया है अपना कुकिंग। नवीन जी, आप भी एक बहुत टैलेंटेड कमाल के आदमी हो, और थोड़ा थोड़ा मैं भी हूँ। और हम सड़क चलते हुए एक अच्छी लोकेशन को गाड़ी चलाते हुए, वो भी इतनी ट्रैफिक में एकदम से सर्च कर लेना, ये भी एक अपने आप में एक टैलेंट है, और आपने वो टैलेंट आज दिखाया, और मैं आपसे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और यहाँ पर चलते हुए लोगों ने जैसे ही ये देखा, और डिसाइड करने में हमें 2 मिनट भी नहीं लगे कि इस लोकेशन को हमें यस करना है कि नो करना है। इस लोकेशन में इतनी अच्छी ग्रीन, इतना अच्छी लोकेशन, इतना ग्रीन टॉयलेट है, पानी है, सारी सुविधाएं, ग्रीनरी है, नीम के पेड़ हैं, सवेरे सवेरे दातून करेंगे नीम के पेड़ के, और क्या चाहिए जिंदगी। स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है,
आपको हम सब चीज दिखाएंगे, पूरा एंजॉय कराएंगे और आप भी इस तरह की लोकेशन को कहीं भी जाकर आराम से पोलाइटली एक सहयोग के तरीके से बात करोगे तो लोकेशन बहुत है इंडिया के अंदर, जहां भी आप चलोगे लोकेशन की कोई कमी नहीं है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप एक बार घर से निकलोगे ना तो रास्ते तो बन जाते हैं। एक कहावत है, एक कहावत है कि मतलब आप मुझे ज्यादा पता नहीं कि सड़क पर चले जाओ रास्ते तो अपने आप बन जाते, ऐसा ऐसा कुछ एक कुछ है, वहाँ सही चाह है वहाँ राह है। बढ़िया, चाहे कहीं जगह चलने की तो आप चलने लगे, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। नेक नियति और पक्के इरादे से अगर आप चलते हैं तो राह भी मिल जाती है और मंजिलें भी मिल जाती है। और ऐसे घूमने के लिए तो बढ़िया है ना, घूमने के लिए सिर्फ दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा है दोस्तों सिर्फ आपको एक निकलने की देर है, एक बार निकलो घर से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप घर से निकलो और बाकी सबको मतलब कहाँ पे भी पूछो ना, कोई मना नहीं करता, कोई भी मना नहीं करता, और अगर मना भी करते तो उससे क्या हमें प्रॉब्लम, सिर्फ मना ही करेगा ना, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसा कोई डर मत रखो, निकलो घूमो फिरो इस तरह हमारी तरह। आज तो अजय जी ने जिस तरह बताया बढ़िया, यहाँ पे हमने कैंपिंग भी कर रहे तो आगे मजा करते हैं और मिलते हैं आपको हर हर महादेव के नारे के साथ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारे दही भल्ले के बल्ले तैयार हो रहे हैं और ये हमारे एक बढ़िया यूट्यूब मित्र है जो है रिटायर्ड पंजाबी, उसने हमें सिखाया है कि दही भल्ले, बाकी श्रीमती तो पहले भी बुलाते थे बट हमारे गुजराती में इसको दही वड़ा बोलते थे तो हमें थोड़ा पहचानने में गलती हो गई, बट ये पूरी रेसिपी एकदम रिटायर पंजाबी ने एकदम बढ़िया से समझाई और उसी तरह से एकदम मजा आए, ऐसे बनते और फटाफट बन जाते एकदम जल्दी से। और आप देखिए बाकी श्रीमती जी एकदम बढ़िया, अभी जिस तरह घर पे रसोई होगी इसी तरह यहाँ पे हमारे किचन खुल गया और हम रसोई कर रहे हैं, और हमारी पड़ोस वाली जो घर है उसमें तो बढ़िया क्या लाइट लगा दी, एकदम सुनीता दी जगमगा रहे हैं, और वहाँ पे क्या बन रहा है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बनने वाला है या अभी ये प्याज का खाद ही होना चाहिए। हाँ तो इस खाद लोकेशन में खाद ही सब्जी बन रही है और खाद दही बड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे अभी प्याज का तड़का लगा है, सही बोला ना। हाँ, और तड़का ये बन रही है कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर बनाने वाले, और जो वीडियो को खराब करने की हमें वो रखा है वो अजय जी, ओके वो बनाते नहीं, सिर्फ सुनीता जी को इंस्ट्रक्शन दे देते ये करो ये करो। मैंने सूप नहीं बुलाया सबको, ये रेडी टू ईट था, इसे डाल के पूरा मैं भी तो करना पड़ता है, गैस चलानी पड़ती है, पानी मिलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। तो चलो वो आज जो सूप पिलाया ओ अजय जी ने बहुत बढ़िया, चाय कितनी बार पिलाई मैंने, और चाय के लिए तो अजय जी है एवरग्रीन है, सब कुछ मैं ही करूँगा। आप देखिए बढ़िया अभी बेड भी लग गया है, यहाँ से आप देखिए पूरा एकदम बढ़िया बेड भी लग गया है, और यहाँ पे अभी मिर्च वगैरह टमाटर जल गई है इसमें, और इसमें एकदम बढ़िया ग्रेवी बन जाएगी आप देखिए दोस्तों। अरे वाह, तो थोड़ी देर में वापिस आते हैं, बाकी आप पूरा लोकेशन के साथ चलो और देखिए। और यहाँ पे श्रीमती जी अभी कितनी देर है, अभी भूख लगी है यार, एकदम बढ़िया भले बने आप देखिए यार बढ़िया। हमारी छोटी सी किचन में बढ़िया एकदम बढ़िया दही भल्ले,
वाह रे वाह। पंजाबी अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, मैंने भी आपकी बताई इसी तरीके से बनाया है और ये तो बैक से बनते हैं और बहुत बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। मैं याद भी कर रहे थे मैं और काजल का भी जो आप कर रहे थे मैं याद कर रही हूं। आप देखिए मतलब ये पूरे ये वीडियो में एकदम बढ़िया शॉट आ रहे हैं। दो हमारे 1BHK फ्लैट है जिसमें एक को रहे सुनीता जी, एक को रहे हमारी श्रीमती जी और बढ़िया किचन है लग चुका है और ये बीच में हमारा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। तो देखिए हमारे दही भल्ले रेडी है, देखिए फुल दही चिल्ड है एकदम और भल्ले एकदम गरम गरम है। तो देख लीजिए गुजराती में इसको दही वड़ा बोलते है, एकदम टेस्टी मक्खन जैसा। तो दोस्तों एकदम बढ़िया दही भल्ले बन गए और दही भल्ले अभी पहले हमारी हमारे तो अभी फाइनली पहले आज शाही डिनर होने वाला है हम लोगों का कैंपिंग में। तो फाइनली अभी पड़ोसियों को पहले सर्व किया गया है दही भल्ले। तो अभी अजय जी पहले दही भल्ले को टेस्ट किया जाए और बताओ किस तरह के दही भल्ले कैसे भी बने हो, हमारी श्रीमती जी ने बनाए समझ लेना। नहीं झूठी तारीफ नहीं करूंगा मैं, नहीं जे मजा आ गया ठंडे ठंडा। 100 में से 102 नंबर 100 में से। अरे बढ़िया, इसीलिए मैं इसको साथ में रखता हूँ क्योंकि अच्छा अच्छा खाना वही खिलाएगी और कोई नहीं खिलाएगा। तो अभी एक और दही भल्ले और इस और बन रहा है पनीर तवा और रोटियां बढ़िया पनीर कढ़ाई सॉरी पनीर कढ़ाई और बढ़िया रोटी। और अभी यहाँ पे देखे एकदम बढ़िया बढ़िया रोटियां पक रही है और पकाने वाली है। आपको पता ही है सुनीता जी एकदम बढ़िया बना रहे और यहाँ पे एकदम बढ़िया दही भल्ले रखे, अभी फ्राई कराओ और बाकी हमारे यहाँ पे देखो इस तरह डिश तैयार होगी और यहाँ पे हमारी कैंपर वैन खड़ी है। तो पहले अभी चलो टेबल सजा लेते हैं खाना क्योंकि गर्मा गर्म रोटियां हो रही है, तो टेबल सजा के फिर आपको मिलते हैं। एकदम दही भल्ले बढ़िया श्रीमती जी अभी डिश को रेडी कर रही, फिर खाए जाएंगे बढ़िया मजेदार। देखो तीखा भी थोड़ा ध्यान रखेंगी, जीरा भी डालेंगी, एकदम बढ़िया डिश बनाएंगी हमारे लिए। हाँ और इसके हाथों में तो है ही बढ़िया मीठी मीठी है भी इतनी मीठी खाना मिलता है बढ़िया बढ़िया तब तक बातें मीठी मीठी और घर जाके तुम नहीं ये सही में बढ़िया खाना बनाती है। तो दोस्तों फाइनली हमारा डिनर यहाँ पे रेडी है, आप देखिए पनीर कढ़ाई और दही भल्ले और ककड़ी का सलाद अजय जी ने तैयार किया है, बाकी तो सब बट अजय जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो ये सब हमारा कंप्लीट यहाँ पे तैयार है और ये हमारी ये कैंपर वन में सब कुछ खाना बन गया है। तो अभी चलो बैठ के और खाते अभी लेते हैं डिनर। आप देखिए पूरा डाइनिंग टेबल हमारा यहाँ पे लग गया है और एकदम बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाने के बाद आपको मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा कैंपर वन का हमारा बेड तैयार है, तो अभी सोने की तैयारी करते हैं और उसी के साथ ये व्लॉग को भी करते हैं एंड और मिलते हैं आपको नए व्लॉग में एक नए सवेरे के साथ। तो चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गुज्जू कपल ट्रैवलर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भेजते रहो। हर हर महादेव।